नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप और आपके साथ मैं हूं काजोल। तो चलिए शुरुआत करेंगे बॉलीवुड और टीवी जगत से जुड़ी चटपटी खबरों के साथ। आमिर खान और करीना कपूर की मच अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर ने फिल्म के उत्साह को और बढ़ा दिया। फिल्म के दो गाने भी रिलीज हो चुके हैं जिसे काफी पसंद किया गया और अब लाल सिंह चड्ढा का तीसरा गाना फिर ना ऐसी रात आएगी भी रिलीज हो गया है। इस ऑडियो सॉन्ग में अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है। गाने के बोल एक तरफा प्यार की झलक पेश करते हैं। लाल सिंह चड्ढा फिल्म का एक गाना रिलीज के साथ ही खूब सुना जा रहा है। 4 मिनट 45 सेकंड के इस गाने के लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य के हैं। फिल्म का निर्देशन जहां अद्वैत चंदन कर रहे हैं तो वहीं अभिनय के साथ आमिर खान ने किरण राव के साथ फिल्म के प्रोडक्शन की भी कमान संभाली है। साल 2018 में आमिर फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में नजर आए थे। ये फिल्म दर्शकों को कुछ खास ध्यान नहीं खींच पाई थी। 4 साल बाद लाल सिंह चड्ढा से आमिर खान कम बैक कर रहे हैं जिसे लेकर फैंस खासा एक्साइटेड है। बॉलीवुड फिल्म जुग जुग जियो शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज की जा चुकी है। हर तरफ वरुण धवन और कियारा अडवाणी के इस फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन के बारे में चर्चा चल रही है। इस बीच मशहूर फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने हाल ही में जुग जुग जियो के पहले दिन के कलेक्शन के बारे में जानकारी दी। साथ ही तरण ने साल 2022 में रिलीज होने वाली हिंदी फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन के आधार पर जुग जुग जियो की तुलना की है। दरअसल तरण आदर्श ने कुछ देर पहले ही अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट कर जुग जुग जियो के फर्स्ट डे कलेक्शन की तुलना की जो कि 2022 की इन बड़ी बॉलीवुड फिल्मों से कम है। तरण ने बताया कि जुग जुग जियो ने अपने ओपनिंग डे पर 9 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस पर कमाए हैं। जुग जुग जियो का यह कलेक्शन पहले दिन की तरह एक्ट्रेस आलिया भट्ट की सुपरहिट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज और भूल भुलैया 2 के मुकाबले कम है। इन सभी फिल्मों ने ओपनिंग डे पर कम से कम 10 करोड़, 13 करोड़, 10 करोड़ और 14 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म शमशेरा के ट्रेलर ने रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है। इस ट्रेलर को जहां दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है तो वहीं रणबीर कपूर, संजय दत्त और वाणी कपूर के लुक और अभिनय की भी फैंस को चौंका दिया है और लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। फिल्म की बेताबी अब दर्शकों के बीच बढ़ चुकी है। शमशेरा में रणबीर कपूर एक डकैत के रोल में नजर आएंगे। फिल्म में वो पिता शमशेरा और बेटे बल्ली का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी फिल्म में वो डबल रोल में नजर आएंगे। रणवीर ने ट्रेलर रिलीज के दौरान इस बात का खुलासा किया कि उन्हें सिर्फ बल्ली का रोल ऑफर किया गया था लेकिन पिता शमशेरा का किरदार हासिल करने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी थी। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा खास सुर्खियां बटोर रही हैं। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ जिसे देखने के बाद फैंस फिल्म को देखने के लिए बेताब हो गए हैं। ट्रेलर में किरदारों के इंटेंस रोल से लेकर VFX तक को काफी पसंद किया जा रहा है। हालांकि एक बात लोगों को ऐसी खटक रही है कि फिल्म को सीधा बॉयकॉट करने की मांग उठने लगी है। ट्रेलर में आप देख सकते हैं जहां खूंखार डकैत बने रणवीर कपूर दाढ़ी और लंबी बालों में बेहद इंटेंस लग रहे हैं तो वहीं संजय दत्त फिल्म में बेहद भयानक और खूंखार विलन का रोल निभाते नजर आ रहे हैं। उनके किरदार का नाम है शुद्ध सिंह। वो ब्रिटिश के जमाने के ऐसे दारोगा के रूप में नजर आ रहे हैं जो लोगों पर अत्याचार करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। माथे पर तिलक और सिर पर ब्राह्मण चोटी रख के संजय दत्त के लुक्स ने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर सलमान खान का बिग बॉस से पुराना नाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सलमान खान ही हैं जो पिछले 12 सीजन से शो को होस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके सबसे अलावा एक सवाल हर साल खड़ा हो जाता है कि क्या बिग बॉस के अपकमिंग सीजन को सलमान खान होस्ट करेंगे या नहीं। अब कुछ ऐसे सवाल सीजन 16 को लेकर भी सुनने को मिल रहे हैं। सलमान खान इसको होस्ट करेंगे या नहीं, इस बात पर अभी भी संशय बना हुआ है। हालांकि सलमान खान ने अब खुद ही सवाल का जवाब दे दिया कि बिग बॉस के अपकमिंग सीजन को कौन होस्ट करेगा। बता दें कि अबुधाबी में आईफा 2022 के मंच पर सलमान खान ने इस सवाल का जवाब दिया। मालूम हो कि सलमान खान ने इस साल पहली बार आईफा होस्ट किया था। अपने आप में ये खास मौका था। 25 जून को जिसका प्रीमियर टीवी पर किया गया। सलमान खान ने आईफा के ग्रीन कार्पेट पर बिग बॉस से जुड़े सभी सवालों का जवाब देते हुए बताया कि वो इस शो को पिछले 11 से 12 सालों से होस्ट कर रहे हैं। ऐसे में भला वो इस बार कैसे चूक सकते हैं। इसी दौरान सलमान खान ने कंफर्म कर दिया कि बिग बॉस 16 को भी होस्ट कर रहे हैं। ऐसे में अब ये कन्फर्म हो चुका है कि देश के इस विवादित शो को एक बार फिर से सलमान खान ही होस्ट करने वाले हैं। और ऐसे ही मसालेदार चटपटी खबरों के लिए आप जुड़ रहे हैं बॉलीवुड गपशप के साथ।